हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज आप लोगों को पता होगा सावन के महीने का चौथा सोमवार है और आज हम लोग जा रहे हैं स्पेशल मंदिर में और आप लोगों को भी आज उस मंदिर के दर्शन कराऊंगी मैं। वैसे तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर भी और आज हम लोग जा रहे हैं पहली बार और आप लोगों को भी मैं आज उस मंदिर के दर्शन कराऊँगी, क्योंकि अभी हम लोग को पैदल भी जाना है और आधे रास्ते से गाड़ी में भी जाएंगे हम लोग। तो बहुत सारे लोग हैं हम लोग और चलते हैं आप। तो गाइस, हम लोग जा रहे मंदिर, देख सकते हो आ गई हैं लड़कियाँ, इतनी सारी हैं और आधे गाड़ी में बैठ गई हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे गाड़ी में। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सिंहदेसा आगे और देख सकते हो रोड की हालत पूरी ख़राब है, देख सकते हो। और बारिश भी लग गई है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी लग गई है और अब हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ गए यहाँ पे गाड़ी में और यहाँ से आगे हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। थैंक गॉड इसमें छाता दे दे, नहीं तो मेरा फोन दिख रहा था। और अब हम लोग देख सकते हो सब लोग निकल गए गाड़ी में, यहाँ से आगे और बारिश भी लग गई है गाइस। तो हम लोग एडजस्ट होके जाएंगे छाता में, क्योंकि छाता नहीं लेके आए हम लोग यहाँ। तो चलते हैं पैदल का रास्ता, पैदल का सफ़र करते हैं हम लोग। दोस्तों देख सकते हो रोड बंद है, सब लोग पैदल जा रहे हैं और हम लोग भी अब पैदल चलते हैं। और बहुत दूर है कह रहे हैं कि ये लोग मंदिर, कोई नहीं पहुंच लेंगे। अभी टाइम कितना हो रहा होगा, 10 तो बज गई होगी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे रोड ख़राब हो रखी है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी और सब लड़कियाँ हैं, ये हमारी दोस्त लोग हैं। ओ भाई, यहाँ से आगे गाड़ी तो अब मुश्किल, पहले पैदल का ही रास्ता नहीं है, गाड़ी कहाँ से जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर ना दो दो तीन तीन ब्लॉगर है, एक ब्लॉगर आगे एक ब्लॉगर पीछे है। तो यहाँ पर तीन तीन ब्लॉगर जा रहे हैं साथ में, हम छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, कोई नहीं, हम तीनों के तीनों छोटे मोटे ब्लॉगर जाएंगे। अभी नहीं आया, वहाँ देखो एक ब्लॉगर हुआ है। कसम से रोड की ऐसी की तैसी हो रखी। ओ भाई, क्या ही बोल सकते दोस्तों, आप लोग देख सकते हो पता नहीं कितना महीना लगेगा यहाँ पे रोड खुलने में। पहले पैदल का रास्ता नहीं है दोस्तों, फिर गाड़ी तो मुश्किल। हे भगवान, हे भगवान, बना रही बना रही, जाओ तब ले। गाइस देख सकते हो पैदल का रास्ता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं हम लोग। अब मुझे सबसे लास्ट से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट कर। अरे अरे, ब्लॉगर के पैर डूब गए। चप्पल छोड़ दे। डूबी रे डूबिया माटमा, जति फैशन गई छी माटमा सब उड़े। हाँ भाई, थोड़ा ढूंढ भी आई थी मन। तो देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रोड खराब है और ये नीचे पे मेरे भाई लोग आ रहे हैं। ये लोग तो स्कूटी में पहले आ गए थे लेकिन हमें रुके थे यहाँ पे, ये लोग भी आ रहे हैं। और कसम से रोड देखो, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है रोड की। आप लोग देख सकते हो, ये है लाखे वाली रोड, बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब है कसम से। और देख सकते हो मेरे दोस्त लोग चले गए हैं आगे और मैं भी चलती हूँ गाइस, और फ़ोन की बैटरी भी बचानी है। आजकल पहाड़ों के हाल कैसे हैं मैं आप लोगों को बताती रहूँगी इस वीडियो में। गाइस समय यहाँ से पैदल जाना है चढ़ाई। हाँ, तो सबसे बड़ी गाइड है, यहाँ से चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा हमें। अब तीन बंदर हुआ रहे, चार बंदर साइड। चल महारानी, रास्ता भूल गई ना, चल इसको देखो गाइड, सबसे आगे से गाइड यही बनी थी, अब सबसे लास्ट जाएगी तू। चल चल गाइड है आगे, चल अब यहाँ से जाएंगे हम लोग। चलो भाई यहाँ से उधर के लिए। ओ माय गॉड, ब्लॉगर रड़ गई। ओ भाई गाइस देख सकते हो रोड है, रास्ता देखो यहाँ पे कसम से। ओ चिप होएंगे ना तुम लोग यहाँ से नीचे, रड़ जाएंगे। अच्छा चलो मेरे को जाने, आप भी बना रहे हो, चल रहे नीचे, हम तो आवे थी। अरे वो वहाँ के अमेरिका की तेरे को पता नहीं, इसके नखरे देखो, ये भगवान ले जा सीधा उसको खींच के उधर, चल मैं ले जाओ हाथ पकड़ के। हे भगवान डरपो, नेचर वहाँ स्कूटी लेके जाती, खुटी रोड़ी गे, खुटी चिपड़ी गे। तो गाइस फाइनली हम लोग भी निकल गए हैं रास्ता से और महारानी निकल चुकी है बड़ी मुश्किल से रास्ते से। गाइस इधर जुंग भी रहते कह रही लोग, जुंग निकाल यार, आज जुंग, आज जुंग पता चाहिए, बोले ना था वो आ जाने हो से। ए गाइस देखो रास्ता कैसे है, बड़ी मुश्किल से चलना पड़ रहा है हम लोग को इधर से। चलो चलो, रास्ता नहीं है,
लोगों को खेतों से जाना पड़ रहा है। कसम से कई समय ने वहाँ पे जाना है, शायद दिखे वहाँ, वहाँ पे दिख रहा है गाड़ी, यहाँ पे है धारा और रास्ता हमें पता नहीं। कमल लोग मन बेचाने की हमें जाना पड़ेगा लोगों के खेतों से। साथ में ना पायल भी पहने मुझे बन गया। ओ भाई अरे हम बात पता नहीं, बात बता दिया वो ना लोग साथी टोले ला कहीं रास्ता नहीं मिला। अरे ये छोटे बच्चे भी हमारे साथ, ए लो चल लो छुट्टी पीछे हटवे जे लो से पीते मंगा रहे पैन। ए गाइस वो तुम जल्दी चला यार, जून भी जा सकता है। चलो चलो भी देखो छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे गाइस। ठीक है ना यार, अरे बात भी सॉरी डरपोक लड़कियां। ए गायत्री इंस्टा पे बहुत लिखते हम तो पहाड़ी है, पहाड़ी होने का घमंड है, ये पहाड़ी यो मन में झूल आओ आओ भाई पहाड़ी है असली पहाड़ी। हाँ आ जा जल्दी जल्दी आओ गाइस। लोग खेत होते छतिया नाश करे हम। अरे ये मन जे लग नहीं हो जाए जे कहीं और हम उतरी के नाले। तो फाइनली दोस्तों हम लोग रोड पे पहुंच गए, ये छोटे बच्चे भी हमारे साथ आए। चलो बच्चे चलो देखो सब लोग पहुंच गए रोड पे फाइनली। देखो पैर पार तो मन हो जाए जिम्मे पार तो मन दून खूटे आओ आओ। अरे ब्लॉगर छूट गई लास्ट। ए लूची फोन तो आवे मेरे पे भी है जूंग नहीं मेरे पे नहीं है जूंग। ए अरे जूंग होंगे पैर पे मेरे पे नहीं है गाइस। इनके पैर पे जूंग आ गई भी यहाँ पे भी देख रात में जूंग निकाल दे। ये देखो गाइस रोड बंद है फिर से इधर की रोड ने कसम से पूरी खत्म बोलते जिसको ने पूरी हालत खराब है इधर की रोड की बहुत ज्यादा। निरंतर नोलिंग मंदिर में ये देखो गाइस इधर भी रोड खराब भाई। इस वाली रोड पे ना कसम से कितने महीने लगेंगे रोड सही होने में, पता नहीं कितनी जेसीबी चाहिए होगी। इधर तो बहुत सारी जेसीबी की जरूरत है गाइस, देख सकते हो रोडों की तो ऐसी हालत। हे भगवान ये देख सकते हो गाइस फिर से रोड, ये रोड तो पूरी टूट गई है देखो कसम से, दो रोड बन गई, एक गाड़ी इधर से एक गाड़ी इधर से, पैदल की गाड़ी यहाँ और असली वाली गाड़ी इधर से जाइए। कसम से बुरे हाल है रोडों के, कसम से मेरे को लगा अच्छा रास्ता होगा पर आज तो रास्ते की ऐसे की तैसी हो रही है। एक ब्लॉगर को देखो उधर यहाँ से हम लोग जाएंगे गाड़ी में, देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी हमारी वेट कर रही है और मुझे तो नहीं लगता कि हमें सीट भी मिलेगी गाड़ी में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। लड़के लोग तो छत में बैठ गए पहले से और पीछे से भी बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है, तो हम लोग तो जल्दी जल्दी चले जाते हैं क्योंकि हमें सीट नहीं मिलेगी फिर। दोस्तों हम लोग पहुँच गए सर पानी में, यहाँ से अब हम लोगों को पैदल जाना है, सबसे पैदल का रास्ता पूरी चढ़ाई है, अब हम लोग पैदल जाएंगे और बहुत सारे लोग आए, लड़के लोग सब छत में आए, जितनी भी लड़कियाँ थी सब लड़के हम लोग नीचे सीट पर बैठ के आए और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे पैदल। ड्राइवर भैया का मुँह देखो नजर लग रही है, चलते हैं अब पैदल का सफ़र। हाँ हाँ चल चल। तो हमारे साथ आगे से सरपानी वाले भी जा रहे हैं, ये लोग सरपानी के सारे नौलिंग महादेव जा रहे हैं आज। यहाँ पे भी गाइस एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई हैं, शायद भैरव का मंदिर होगा। तो यहाँ पे ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, देखो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ना घास चढ़ा दिया क्योंकि घास भी रखते हैं, देख सकते हो हर कोई रख रहा है। नया मी सौ नहीं होने कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आज सुनाई दे रहा ना। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मतलब जहाँ पे अब मंदिर आने वाला है, तो ये लोग कह रहे हैं मंदिर है इस साइड, मंदिर इस साइड है और भंडारा यहाँ पे लगा है, तो हम लोगों को ना पहले मंदिर जाना पड़ेगा, तो व्रत है तो मंदिर तो जाएंगे हम लोग, फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे भंडारा के यहाँ पे, तो चलते हैं हम लोग पहले मंदिर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग आए हैं आज, यहाँ पे तो भंडारा भी है तो बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे, और सामने वहाँ पे तालाब मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, देखो वहाँ पे लड़के लोग बहुत सारे लड़के लोग फोटो शूट करने जा रहे हैं और लड़कियाँ भी गई है। ये रहा दोस्तों नौलिंग का तालाब, देख सकते हो इतना बड़ा तालाब है, शायद लोग भी जा रहे हैं फोटो शूट करने के लिए तालाब में। नारे हम नहीं जो हम भी तो बात मतलब सेट भी, और देख सकते हो जय नौलिंग महादेव, आप लोग को जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहीं से है मंदिर का रास्ता, हम लोग भी जाएंगे अभी मंदिर। तालाब देख सकते हो आप लोग, इस तालाब का नाम है नौलिंग कुंड, यहाँ पे देख सकते हो नौलिंग का कुंड कितना बड़ा तालाब है आप लोग देख सकते हो।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में। देख सकते हो आप लोग बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो, और लाइन देखो कितनी बड़ी लगी है भक्तजनों की पूजा करने के लिए। हमारा नंबर तो पता नहीं कब आता है पूजा करने का, आप लोग देख ही सकते हो, कसम से बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और ये है नौलिंग महादेव मंदिर जो कि नंदानगर में ही आता है, और नंदानगर के सरपानी गाँव में नौलिंग महादेव का मंदिर है। तो आप लोग भी आइए और आप लोग भी दर्शन करके जाइए महादेव नौलिंग महादेव मंदिर के। और हम लोग भी पहली बार आए यहाँ पे, पहली बार आके हमें भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, भक्तजन भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं ये रहे मेरे भाई लोग जो कि अभी पूजा कर रहे हैं, तीनों चार भाई दोस्त लोग। और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने सभी मंदिर के दर्शन करे हैं। कोई कोई लोग तो ना एक ही मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इतने दूर आए हैं तो हम लोग सब जितने भी मंदिर यहाँ पे हैं सब मंदिर के दर्शन करके जाएंगे। और हम लोग सभी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं आप लोग देख सकते हो। और क्या फ़ायदा हुआ हमारा जब हम लोगों ने पूरे मंदिर के दर्शन नहीं किए, तो हमारा आने का फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे। और देख सकते हो सब लोग, हम भाई बहन आए यहाँ पे आज ग्रुप में, दोस्त लोग सब लोग आए। और देखो कसम से इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, अभी भी बहुत ही ज़्यादा भक्तजन आ रहे जा रहे हैं। तो आज क्योंकि यहाँ पे भंडारा भी है तो इसलिए बहुत सारे लोग अभी आ रहे जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं दोस्तों। आप लोग भी आइए और आप लोग भी नौलिंग महादेव मंदिर के दर्शन करके जाइए और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाइए। काश हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी नौलिंग महादेव मंदिर में, और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी तो आप लोग भी ज़रूर आइए नौलिंग महादेव मंदिर में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार आना पड़ेगा और तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं। अगर होती है तो आप लोग ज़रूर दोबारा इस मंदिर में आइए, और अगर नहीं होती है तब भी आइए आप लोग, क्योंकि भोलेनाथ कभी ना कभी हमारी मनोकामना पूर्ण जरूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग मंदिर के दर्शन तो कर ही लिए हैं और अभी भी यहाँ पे लाइन में बहुत सारे लोग। अब मेरी बहन लोग नहीं आई, वो पता नहीं कहाँ खो गई है, मुझे तो मिल भी नहीं रहे वो लोग, तो हम लोग उनका वेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग अभी आए नहीं। हम लोग भाई बहन, मेरे भाई लोग हैं तो हम तीनों चार भाई बहन यहाँ पे उनका वेट कर लेते हैं, मेरी दीदी लोग का। तो हम लोग अब चलते हैं अपने घर के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर से पूजा करके, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मंदिर में भी आज, और आधी लड़कियां तो चली गई है आगे भंडारा में, और हम तीनों बहनें जा रहे हैं, एक आगे से जा रही है और एक भी साथ आ रही पीछे से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है भंडारे में भी। तो दोस्तों ये रहा नौलिंग का कुंड, और यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही इस तालाब में पानी रहता है, बाकी पूरा साल सूखा रहता है तालाब। और आजकल बरसात का मौसम है तो इसलिए इस तालाब में पानी है, बाकी पूरा साल यहाँ पे सूखा है। और सामने देखो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे भंडारा में खाना खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो इधर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भंडारा लगा हुआ है और अभी भी यहाँ पे खाना बन रहा है। तो यहाँ पे ना मतलब प्लेटें कम मिल रही है तो हम लोग ना एडजस्ट करके खा रहे हैं। तो ये देखो ये चार लड़कियाँ एक ही प्लेट में खा रही है, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे हमें भी इसी प्लेट में खाना पड़ेगा दोनों बहनों को। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज तो, हम भी जाएंगे भेजना। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं नौलिंग महादेव से, और यहाँ पे ऊपर पे सामने भंडारा लगा है, तो हम लोग भंडारे खा के भी आ गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम 2 बज गया है तो हमें घर भी जाना है। तो हम लोग अब घर जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे पैदल, आते टाइम तो हम लोग गाड़ी में आए थे और अभी हम लोगों को पैदल जाना है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं रोड पे, सभी लोग देख सकते हो आ रहे हैं अभी भी। अभी हम लोग जा रहे हैं सरपानी के रास्ते से उस तोली, और इधर पे रास्ते भी ना ऐसे ऐसे रास्ते हैं ना कसम से जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे ना सरपानी के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उन्होंने हमें बोला कि आड़ू निकाल के ले लो खा लो, तो हमने बहुत सारे आड़ू निकाले, सब निकाल के ले जा रहे हैं, देखो सब खाने पर लगे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सरपानी से उस तोली से अपने घर जाएंगे हम। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर पे, यहाँ पे है नैना दीदी का घर। तो गाइस ये रहा नैना दीदी का ससुराल, आज पहली बार आ रही हूँ। ओ भाई इनका भैंस तो मारना आ रहा है। तो गाइस देख सकते हो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं पानी पीने के लिए, और अभी नैना दी पानी लेके आ रही है, सभी लोग बैठे हैं। पानी पानी लेके आ रही है सबके लिए, देख सकते हो पानी लेके आ रही है। देख सकते हो वहाँ पर नैना दीदी का छोटा सा बेबी, दूसरा बेबी है। दीदी का तो बस शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है सब, किसकी शादी कब हो रही, किसकी शादी कब हो रही, बस वही पूछने पे लगी है। तो ये कैसा लग रहा है? ये बड़ा वाला है नैना दी का बच्चा, न्याऊ बाल भी रो।
ये बड़ा वाला बच्चा, छोटा वाला बच्चा वो अंदर कूद में। तो गाइस अब बारिश लगने वाली है, देख सकते हो इतने सारे लोग आए थे हम लोग यहाँ पे नैना दीदी के घर पे, देख सकते हो। और बारिश लगने वाली है तो हम लोग अब जा रहे हैं, इतने लोग आए थे हम लोग यहाँ पे। ये है नैना दीदी का ससुराल उस्तोली। तो चलिए दोस्तों अपने घर की ओर चलते हैं, सब लोग चले गए। कोई यहाँ पे है गेट पे वेट कर रहा है और कोई पीछे। गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी ककड़ी लगी है, दुई का खेड़ा में भी देखे, देखते हैं कहाँ पे जाती है आंटी हमें ककड़ी लेने। नजर लगा लेड़ी पहले तुम्हारे कहाँ खेड़ पे, देखो आंटी हमारे लिए। धन्यवाद, ये देखो ककड़ी लेके आ गए, धन्यवाद आंटी। देख सकते हो ककड़ी लेके आ गई हमें। तो यहाँ पे है धारा, छोटा सा धारा, और देख सकते हो ये लड़कियाँ गई है ककड़ी धोने, जहाँ पहुँचे जान हम घाट। तो गाइस ये सामने रहा नंदा नगर मार्केट, देख सकते हो। और हम लोग यहाँ पे बैठेंगे अभी ककड़ी खाने के लिए। हाँ बेटे दो दो ककड़ी देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा लोकेशन है तो हम लोग यहाँ पे खाएंगे ककड़ी। एक और लेके आ लिए। तो दोस्तों जब भी हम लोग दूर के सफर के मंदिर में जाते हैं ना तो हमारी किस्मत में हमेशा ककड़ी आ जाती है। आज भी हमारी किस्मत में दो ककड़ी मिली है, और इससे अगली बार जब हम लोग भिंजर गए थे तब भी हमें एक ककड़ी मिली थी, वो भी रिश्तेदारों ने दी थी। ये ककड़ी अभी पहले हम लोग खड़ी वाली ककड़ी खड़ी, देख सकते हो सब लोग ककड़ी खाने पे लगे हैं। यहाँ पे कोई फोटो शूट कर रहे हैं, कोई ककड़ी खा रहे हैं, हम लोग तो ककड़ी खा रहे हैं। गाइस देख सकते हो रास्ता नहीं है, यहाँ पे भी रास्ता टूटा, मतलब हम जो भी रास्ते से आ रहे उसी रास्ते से रास्ता खराब है। तभी तो इतनी छुपी जो रोड साइड भी उनके उससे वो रोड कैसे, कुछ डामर भी नहीं पीछे कुछ ना। अरे नहीं मन गाड़ी ये नहीं रोड मन गाड़ी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट में, और अभी हम लोग आए होटल में क्योंकि भूख लग गई है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी मोमो चाउमीन खाने, लेकिन ये लोग खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। देखो तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए घर, और अभी पैदल आई किसी से सेंटर में, फ़ोन में चार्ज 2% बचे है तो मैं फ़ोन चार्ज कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ मेरे ब्लॉग पसंद आए होंगे आप लोगों को, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों।